सरकार ने इंदिरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब लोगों का भी पक्का मकान बन सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के बनपुकरवा गांव में निन्हका सहित 15 लोगों के पास आज तक इंदिरा आवास न होने के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी हम सब बहुत झेलत है, महतारी एक थी बा, मतलब विधवा हो चुकी बा, बाप मर गया है, दुई बहन है, दुई बहन अब इन्हें लेके खेवत है और घर और गिर गया बा, घर चुवत बा, रह ठिकान ना ही बैठे हैं। अब ये कॉलोनी टाइम बहुत कुछ कहेंगे, दुदू प्रधानी जीत चुके और लेकिन देवाए ना पाए, अब बरसात होता है दूसरे घर में भागे पड़त है, मड़ई उड़ई रह पड़त बा, खाए बनाओ ठिकान ना बाटे। ये चाहे थे सरकार हम दे कॉलोनी एक विधवा महतारी की जिंदगी हमारे सुन बिताई। उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के बनपुकरवा गांव निवासी निन्हका सहित 15 लोगों को आवास नहीं मिला था। इस समस्या पर मैं 2 साल पहले एक इशू वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए आज उस समस्या पर बदलाव ला पाई। कैसे मिला है आवास? आवास मीटिंग कही गया है, वीडियो दिखाया गया है कि, और एक बाद ब्लॉक तक ये बात गए है, तो ये सब हो एक बात प्रधान से बातचीत भय है, तो आप सबके आशीर्वाद से मतलब मिला है कॉलोनी हमारा ठिकान है। और वीडियो भी बनाया था, वीडियो भी हमने देखा था, मीटिंग में भी हम मौजूद थे और उससे हमको प्रेरणा मिली और वीडियो साहब से कह करके लोहिया आवास बनवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आवास बन चुके हैं, जितने भी छप्पर और कच्चा मकान थे करीब करीब सबको आवास मिल गया है और बन भी गया। तो आप एक मिला कि और सबके मिला है? ना ही सबको मिला है। तो अब आप खुश हो? हाँ खुश सही। आवास बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, सीसी रोड बन गया, पिच रोड बन गया, तो कहीं कहीं से आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की मेहनत रही, प्रेरणा रहा, बना सब उसके आशीर्वाद। मैं चाहती हूँ अपने कैमरे के माध्यम से समुदाय के समस्याओं को उठाती रहूं और उन्हें संगठित व जागरूक कर उनके समस्या का समाधान लाती रहूं। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से, इंडिया अनहद के लिए।